चिर हो गया किसान करते मजबूर हो जिम्मेदारी ना लिखिया ने सूबा सरकार दा कर्जा माफी प्रोग्राम बनाया गए ये घटना हुई है उसको कैसे देखते हो क्योंकि प्रदेश में एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी कर्ज के कारण। अज जो मैं खबर पता लगी कि गरीब परिवार एक बुजुर्ग तो एक और बेटे ने आप सुसाइड कर दिता क्योंकि कर्जे के डब्बे से मैं बड़ा दुख लग्या। तो मैं अज स्पैशली अमृतसर से मैं क्या जरूर अफसोस करने वास्ते घर आना इतने आया तो पता लग्या कि एक बुजुर्ग जिहदे कोल कल्ली एक एकड़ जमीन आ परिवार जिहड़ा है इहनां कोल कल्ला एक एकड़ जमीन है ते उन्हां नूं उम्मीद सी कि साडा कर्जा माफ़ हो जूगा क्योंकि कैप्टन साहब ने अपने गुटका साहब की सहुं चुकी कि मैं सारयां दा कर्जा माफ़ करूँगा। तुसीं मैं हैरान रह गया जदों हुण सुन के जिहड़ा इन्होंने 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार या लाख किसी का कर्जा माफ़ कहिंदे कीता है। आ जिहड़ा परिवार है सर जगतार सिंह जी का पहली गल 20 साल एज आ परिवार है जिहड़ा अज सर जगतार सिंह 20 साल सरपंच रहे लंबादार लगातार रहे कल्ला एक एकड़ जमीन इन्हों का एक रुपया भी इन्हों पंजाब सरकार ने नहीं इन्हें माफ़ किया एक रुपया जिहड़े अजकल कैप्टन साहब कहिंदे मैं थोड़ा मोटा किया है आ एक ढोंग है। देखो इस परिवार जी ने तुसी एक एकड़ जमीन एक रुपया नहीं किया जिहड़े परिवार उत्ते इन्ना बोझ पै गया कर्जे का एंड उस नाले सेंटर सरकार ने मोदी साहब ने अज कानून करके तो बेचारे किसान नूं मजबूर होके उहदे बेटे नूं मजबूर होके अपनी जान देनी पई बहुत दुख की गल है। सुबीर जी देखो परिवार चले जाने जिंदगी देनी अपनी जिंदगी तो अपने आप नूं छड़ना बहुत औखी चीज़ है कहना बड़ा सौखा है कि आत्महत्या कर ली आत्महत्या करनी बहुत औखी है वो इंसान आत्महत्या करता जिहड़ा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया होंदा। हुण जिवें मैं हालात देखी है उन्हां दे घर देख के आया जिहड़ा 20 साल सरपंच रहा होए बेचारे गरीब घर देखो कह जाए एक नेक इंसान पिंड दे विच उन्हां दी चारों तरफ 20 साल यूनैनमस रहे है सर्वसम्मति नाल उन्होंने बंदे रहे एज आ इंसान जिहड़ा जी सर्वसम्मति नाल बनता रहा होए लंबरदार होए तो उन्होंने आत्महत्या करनी पई उन देखो किन्ना बोझ है। तो अपने चिट्ठी लिख के गए है कि कैप्टन ने सानू झूठ धोखा दिता है मोदी साहब ने सानू धोखा दिता है किड्डी वड्डी बेइंसाफी हो रही है। इस करके मैं खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना चाहुंदा है जिहड़ा तुसीं गुटका साहब ते झूठा सौं खाधी ते वादा कीता तुसीं लोकां दे गरीबां दे मन च भावना ते उम्मीद जगा दित्ती सी बेचारियां ने अपने ब्याज नहीं भरे या कुछ नहीं कीता क्योंकि साडा कर्जा माफ़ हो जाणा। अज ओह चीज़ां इन्नियां वध गईआं इन्ना कर्जा वध गया बेचारे हुण उहनां नूं आत्महत्या करनी पड़ी है। देखो किन्नी जानां दा तुसीं खिलवाड़ कीता जे वादा करना सी फिर पूरा कर दे। मैं कहना
कल्या केस नहीं है, मैं दो तीन होर केस मैं पिछले महीने देखे जिन्होंने डायरेक्ट चिट्ठी लिख के किया कि कैप्टन साहब के झूठे वादे करके। इस करके मैं स्ट्रोंगली अपील करता कि कैप्टन साहब नू पंजाब सरकार नू इमीजिएटली जो कहा सी इन्हें कर्जा सारा माफ करना चाहिए। डबल सुसाइड के मर्डर दे विच एक गल अहम पहलू सामने आया कि जेडे सुसाइड नोट दो लिखे गए आ पिता ते पुत्र वालों, वो दो सुसाइड नोटों के विच दोनों सरकारां नू चाहे वो मैं उही कह रहा होए और चाहे कैप्टन की सरकार होए दोनों सरकारां नू दोषी ठहराया गया। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਬਲ ਸੁਸਾਈਡ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ, ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮੋੜੂੰਗਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸੌਂਹ ਕਰਤੀ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਭਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ।